दिनांक 7/6/2023 को थाना पुरकाजी पर सूचना प्राप्त हुई कि सागर सनो फरीद नाम का व्यक्ति जो है वो अचानक से कहीं गायब हो गया है, जिसके संबंध पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 15/6/2023 यानी आज सुबह थाने पर ये सूचना प्राप्त हुई कि जो गुमशुदा व्यक्ति है सागर, उसकी पत्नी और उसका जो छोटा भाई है सुहेल, इन दोनों लोगों ने गुमशुदा व्यक्ति सागर को दिनांक 6/7 की रात में मार दिया था और अपने घर में ही बने हुए सेप्टिक टैंक में उसकी बॉडी को डाल दिया था। इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि घर वालों को शक ना हो, इसलिए जो इनके घर में एक निर्माणाधीन मकान है उसका गड्ढा खोदकर दिनांक 9 तारीख को इसके शव को वहाँ पर दफना दिया गया। और इन लोगों से पूछताछ करने पर इन्होंने अपने जुर्म का कबूल किया है। पुलिस ने जब सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर मजिस्ट्रेट को बुला के मजिस्ट्रेट के सामने शव को खुदवाया गया है और वहाँ से बॉडी को बरामद कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसमें परिवार वालों की तरफ से शरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही के बारे में आपको अवगत बाद में करवाया जाएगा। अभी अभी जिस वारदात की जानकारी पुलिस दे रही थी, अब हम आपको उसकी जानकारी विस्तार से देते हैं। दरअसल 6 जून 2022 को यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला सागर लापता हो गया। घर वालों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन उसकी खबर नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर सागर की बीवी और उसके सौतेले भाई सोहेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सागर की पत्नी और उसके भाई सुहेल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने ही सागर को 6 जून की रात मौत के घाट उतारा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों के प्यार के बीच में सागर रोड़ा बन रहा था, इसीलिए 6 जून की रात उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद घर में ही बने सेप्टिक टैंक में डेड बॉडी को डाल दिया गया। फिर 9 तारीख को एक निर्माणाधीन मकान में गड्ढा खोद कर शव को दफना दिया गया था। तो वहीं दिल दहला देने वाली इस वारदात के बारे में और सागर की बीवी को लेकर गांव के प्रधान ने भी हैरान करने वाला खुलासा किया है। तो कोई बहनोई है लड़के का ना, जो मरता है वो भी यहीं रहता है पास में। तो वो ऊपर से नीचे आया, मतलब कुछ कब किसी चीज़ के बहाने उस टाइम ये दोनों एक चारपाई पर मिले, ये मारने वाला जो है और उसकी वाइफ। तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, शक हुआ, उन्होंने पूछताछ करी। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, हमने रिपीट हमारा ये हुआ। तो और बातें रखती रही। सुबह इन्होंने वो लेटरिन का गड्ढा था इनके यहाँ ना, उसमें डंडा वंडा घुमाया तो उसमें उठा उसका कुछ खाल वाल नखून नखून आए, इन्होंने शक हुआ। इन्होंने फिर उसको मार पिटाई करी, मार पिटाई में पुलिस वुलिस आई, उन्होंने उससे सकता है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हमने मारा है। और पहले एक दिन रात गड्ढे में रखा है, दो रात लेटरिन वाले, फिर एक नया मकान यही लोग बना रहे हैं उसमें वो दबा दिया। तो यही कहानी है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।